सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। या तो आपके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, या आप इस खेल को जारी रखना चाहते हैं। आपने जिन आर्मीनियों को रिहा करवाया उनको जानते तक नहीं, वो सब के सब बागी हैं, रियासत के दुश्मन और गद्दार हैं वो। आप अपनी वालिदा के पास जा रही हैं। आप हमें बुरसा भेज रहे हैं? खुफिया अल्फाज में लिखा है कि कसल गद्दार है। आप उस वक्त हमला कीजिएगा जिस वक्त आलिया हमारे पास हो। इस तरह हमें तसल्ली रहेगी कि हमारी बहन महफूज है। पाशा आ रहे हैं। मेरे जवानों, कुछ ही देर में इस बहरी जहाज से उतरने वाला शख्स हमारी रियासत का दुश्मन है। तुम सबको चौकन्ना रहना होगा, समझ गए सब? हम समझ गए। मैं गोली नहीं चला सकता सिपाहियों पर, हरगिज नहीं। तो मिहाइल को कैसे बचाएंगे? दौड़ लगाकर, वो भी इन तमाम सिपाहियों की नजरों में आए बगैर, बशर्ते कि मिहाइल भी तेज दौड़ना जानता हो। बाकी सब मैंने सोच रखा है, बस आप साथ रहिएगा मेरे और भागने के लिए तैयार रहिएगा। आ रहा है वो। आ रहा है पाशा। ये कहीं भी भाग नहीं पाएगा। ताहिर पाशा, गोली मार दी उसने ताकि वो भाग ना पाए। ये ऐसा ही है, पहले गोली मारता है उसके बाद सवाल जवाब करता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे बचा लेगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। परेशान मत हो, तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी, क्योंकि हड्डी पर नहीं लगी। ले चलो इसे।
बाजी। प्यारी बहन, ये सब हमारी वजह से हुआ। अपनी आंखें खोलें, आप ठीक हो जाएंगी। आपसे जुदा होकर हम अफसरदा हैं, मगर हमारे पास कोई चारा नहीं था और अब हम वापस नहीं लौट सकते। बाजी, आपसे माफी चाहते हैं हम। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं हम। आपके लिए हमेशा दुआ को रहेंगे। पाशा, आलिया सुल्तान फातिमा सुल्तान के पास हैं, बिल्कुल महफूज। तैयार रहो। मैंने कहा था ये औरत हमारे लिए मसला खड़ा कर देगी। हम इतनी मुश्किल से यहाँ छुपे थे, मगर अब वो लोग हमें ढूंढ निकालेंगे। मुझे कल ही चले जाना चाहिए था। हमने टिकट खरीद रखे हैं, वो जानती हैं। वो रेलगाड़ी की वक्त तक पहुंच जाएंगी। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो तुम करते रहो इंतजार यहाँ। अंदर जो कोई भी है हथियार डालकर हमारे सामने आ जाए। लानत हो, वो हम तक पहुंच गए। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा स्टेफानो। उन्होंने आलिया को गिरफ्तार कर लिया होगा। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? अब तुम लोग फरार नहीं हो सकते। खुद को कानून के हवाले कर दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये सब वो लोग हमें मार देंगे। इस सब से हमारी जान नहीं बचेगी। मैं तुम्हें नहीं, उन लोगों को बचा रहा हूँ जिन्होंने हम पर भरोसा किया। क्या तुम जानते हो ये दस्तावेजात अब्दुल हमीद के हाथ लग गई तो क्या होगा? लेकिन हम दोनों का क्या होगा? बाहर खड़े सिपाही हम पर हमला कर देंगे। अब तुम नहीं बच सकते स्टेफानो। ये क्या कर रहे हो? नीचे करो इसे। हम आखिरी बार कह रहे हैं कि हथियार डाल दो। तुम्हारे एक लड़की पर दिल आ गया, सिर्फ इस बात की वजह से मैं अपनी बरसों की मेहनत जाया नहीं होने दूंगा। पाशा, शायद इन लोगों ने घर को आग लगा दी है। ये लोग हमारा ध्यान भटाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अंदर जाकर देखना होगा। सुल्तान मौसम, मेरी सलीम से मुलाकात हुई। अब कैसे हैं वो? उनको होश आ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे। इशारों के जरिए अपनी बात समझा रहे हैं। क्या आपको नाम बताया उन्होंने? नहीं सुल्तान मौसम, नजीब पाशा से मिले बगैर वो मदद नहीं करेंगे। सलीम अब हमारे किसी काम नहीं आएगा। उसे अंदाजा हो गया है कि उसकी अहमियत सिर्फ उन नामों की वजह से है जो वो जानता है। ताहिर पाशा, आप जानते हैं हमें पसंद नहीं। बराहे करम सुल्ताने मुअज्जम, आपने मुझे याद फरमाया, मगर आप जानते हैं कि आपसे अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए मैं आपके हाथ का बोसा लेना चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिहाइल को ले आए क्या आप? अपने उसूलों के मुताबिक। क्या मतलब है आपका? उसकी टांग पर गोली मारी थी ताकि वो भाग ना सके। उसकी पट्टी कर दी गई है और अब वो जिंदान में है। उससे तफ्तीश करूं या आप खुद करना चाहेंगे? ताहिर पाशा, अगर उसने आपके सवालों के जवाब ना दिए तो आप उसकी दूसरी टांग पर भी गोली मार देंगे तो बेहतर है कि हम खुद तफ्तीश में शामिल हो जाएं। जैसा आप चाहें। दरवाजा खोलिए।
माशाल्लाह, आप अपने सिपाही भी साथ लेकर आए हैं। इन्हें यहाँ आपकी हिफाजत पर मामूर किया है। ठीक है, इनका भी महल के सिपाहियों की तरह ख्याल रखा जाए। तो तुम हो इस कालियारी के भतीजे। इस शख्स को बाहर निकालिए पहले यहां से। नहीं, ये यहीं रहेंगे। हम तुमसे सवाल करेंगे और तुम्हें जवाब देना होगा। अगर तुमने हमारे सवाल का जवाब ना दिया तो फिर ताहिर पाशा खुद तुमसे सवाल करेंगे। नहीं बताऊंगा। तो फिर ठीक है, ताहिर पाशा ही अब तुमसे सवाल करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारी मर्जी है। मुहाफिज। नियाज पाशा सुल्ताने मुअज्जम से मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। सुल्ताने मुअज्जम, तीसरे फौजी दस्ते के कमांडर नियाज पाशा आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या आप मिलना चाहेंगे? वजीर आजम पाशा से कहें कि वो मिल लें। वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, कोई अहम मामला है। बुलवा लीजिए फिर उन्हें। मैंने बताया भी था कि ताहिर पाशा खतरनाक आदमी है। अब मुझे छुप जाना चाहिए। मिहाइल जल्द या बदेर हम सब का नाम सुल्तान को बता देगा। हम बेनकाब हो जाएंगे, फिर सबाहतीन भी पकड़ा जाएगा। हम में से कोई ना कोई कमजोर पड़ ही जाएगा और सबकी जान खतरे में आ जाएगी। मैं बाबा को बचाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। महमूद पाशा का पैगाम। क्या आपकी महमूद पाशा से मुलाकात हुई है? ये उन्होंने पहले दिया था। आप ये जनाब कसल को दे दीजिएगा। पाशा खुशामदीद, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल हम किसी भी कमांडर से। मुझे मालूम है सुल्ताने मुअज्जम, शायद मेरी इतनी हैसियत नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत अहम खबर है जो मैं सिर्फ आपको ही दे सकता हूं। क्या खबर है पाशा? सैलानिक में तीसरे फौजी दस्ते के मरकज से कुछ मालूमात मौसूल हुई हैं। कैसी मालूमात मौसूल हुई हैं? कसल नामी एक ताजिर है। जी हाँ, वो हमारे मददगार हैं। गद्दार है सुल्ताने मुअज्जम। बैन अल-अक़वामी ताकतों का एक नया प्यादा। यह है तमाम सबूत। लीजिए सुल्तान मौसम। ये बहुत अहम खबर है। आपको इसका इनाम दिया जाएगा। मुझे कोई लालच नहीं सुल्ताने मुअज्जम। तहसीन पाशा, फौरन ताहिर पाशा को हमारे पास भेजिए। जो हुक्म सुल्ताने मुअज्जम। अगर हम लोग यहां से चले भी गए और हमें छुपना पड़ा तो फिर जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब अधूरा रह जाएगा। हम ये भी नहीं जानते कि मिहाइल ने हमारा नाम लिया भी है या नहीं। मिहाइल सलीम पाशा और महमूद पाशा इस वक्त अब्दुल हमीद की कैद में हैं। नहीं बचा पाएंगे हम। सब खत्म। मैसन इजलास के 7 अराकीन में से 3 उसके पास हैं। हो सकता है कि अगली बारी हमारी हो। महमूद पाशा का पैगाम। नहीं, अब्दुल हमीद के पास बस 2 ही लोग हैं। महमूद पाशा फरार हो गए क्या? अभी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सब 1 घंटे में फ्रांसीसी सिफारतखाने पहुंच जाएं।
सुल्तान मुअज्जम आइए। आपने मुझे तलब फरमाया? मिहाइल ने कुछ बताया आपको? उसकी दूसरी टांग पर भी गोली मार दी है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अनकरीब वो हार मानकर सब कुछ बता देगा, बस हमें उसके इलाज का इंतजार करना है। कोई बात नहीं पाशा, अभी हमारे पास एक ज्यादा अहम काम है। आप कसल के दफ्तर जाएंगे, तहसीन पाशा आपको जरूरी मालूमात फराहम कर देंगे। कसल को गिरफ्तार करके फौरन यहां ले आइए। जो आपका हुक्म, खामोशी से या सरेआम? खामोशी से। इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। यहां एक शख्स है पाशा। जिंदा है क्या? नहीं पाशा, नहीं, नहीं। कपड़ा डाल दो इस पर। इस्तेफानो। शहजादी बेहतर होगा, अंदर मत आइए। इस्तेफानो। शहजादी। इस्तेफानो, इस्तेफानो। तुम लोगों ने मार दिया इनको, मार दिया, कातिल हो तुम। इस्तेफानो। आप अपने भांजे से मिलने हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं। लीना, तुम मेरे हालात जानती हो, मैं रोज यहाँ नहीं आ सकता। मुझे आपके हालात की कोई खबर नहीं है। आपने मुझे बस अशरफ के साथ दुश्मनी का बताया, और अब आप अपने भांजे से छुप छुप कर मिलने आते हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? लीना, इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। सब्र करो और इंतजार करो, भरोसा रखो मुझ पर। ततावलाली कहाँ है? उसका जिक्र कहाँ से आ गया? वो हमेशा ही आपके साथ साथ नजर आता था, तो अब क्या हुआ? मैं जानती हूँ, अली उस्मान की इस हालत का जिम्मेदार वही है। अब मुझे साफ साफ बताइए, अशरफ अजीज और आपके दरमियान दुश्मनी आखिर किस वजह से है, बताएं। हाँ, ये ततावली ने किया। मेरा सबसे करीबी साथी मेरे भांजे की इस हालत का जिम्मेदार है। मैंने अपने साथी को खुद मार डाला, मगर अशरफ अजीज इस बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं उसके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ततावलाली ने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो कि वो हाइगुन से मोहब्बत करता था। मैंने उसे समझाया, रोक नहीं पाया। हमला क्यों नहीं कर रहे हम कमांडर? कमांडर, वो लोग जा रहे हैं। सब्र करो उस्मान, सब्र। चलो। खैर तो है अशरफ अजीज, अब तुम लोगों को वापस जाना होगा। मगर क्यों, हम तो यहाँ हलाल रोजी। बम का मवाद फरोख्त करने को तुम हलाल तरीके से कमाना कहते हो? हाँ, जो कुछ तुम कर रहे हो वो हराम काम है। फौरी तौर पर ये इलाका छोड़कर दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा। ठीक है अशरफ अजीज, ऐसा मत करना। सिपाहियों को बुलवाओ इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। कमांडर, हम इनसे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहे? जरूरत नहीं है उस्मान, मैं सब कुछ जानता हूं। वक्त जाया करके इंसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, सही कहा ना? इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि एक लम्हा भी जाया ना करूं। लेकिन तुम यहां वक्त जाया कर रहे हो मिका। साफ बात करो नरवा, अशरफ अजीज एक एक करके मेरे आदमियों को मारता जा रहा है। उसने उन्हें भी मार दिया जिनको मैंने वजीर आजम को कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। यानी अशरफ अजीज अब आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा मिका। मगर तुम यहां
फालतू कामों में वक्त जाया कर रहे हो। उस्मानियों के वजीर आजम को कत्ल करना हमारे लिए एक बड़ा कारनामा होगा। मतलब कि इसहाक साहब बनने का वक्त आ गया है। उसके पास जाओ, मालूम करो वो क्या कर रहा है और फिर हमें बताओ। ठीक है ठीक है। पुरसुकून हो जाओ। न जाने बाबा किस हाल में होंगे। हो सकता है ये उनकी कोई चाल हो। तुमने कहा कि ये पैगाम कानी लेकर आया था, क्या तुम्हें यकीन है? जी बिल्कुल, कानी ने मुझे ये पैगाम दिया जो हमेशा महमूद पाशा के साथ होता था। मगर वो खुद कहाँ है? महमूद पाशा दर हकीकत बहुत ताकतवर इंसान है। मैं भी उनके बारे में सोच रहा हूँ और मुझे बहुत हैरत हो रही है। महमूद पाशा आखिर इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? क्या हमें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। बाबा ने इस जंग को शुरू किया है और अब हमें इसे जारी रखना होगा। एक नए निजाम को नाफिज करने के लिए जरूरी है ये। अब हम क्या करेंगे कमांडर? क्या मंसूबा है? तजस्सुस बहुत अच्छी चीज है उस्मान, ये इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन सब्र करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खैर तो है इसहाक साहब? मैं आप लोगों से अफसोस करने आया था और ये तोहफा लाया हूँ। कहवा खाने की इस्तेमाल की चीज है इसमें। ये तुम क्या कर रहे हो? पुरसुकून हो जाए अशरफ अजीज साहब, पुरसुकून हो जाए। देखें, इसहाक साहब आपको कैसे मालूम हुआ कि ये दरवाजे के पीछे खड़ा था? क्या आप लोगों ने आवाज नहीं सुनी? मैंने तो सुन ली थी। बंदूक का इस्तेमाल आपने कहां से सीखा इसहाक साहब? मैं शिकारी हुआ करता था बहुत वक्त पहले, लेकिन मैं एक अच्छा शिकारी हूं, है ना? तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो मैं जानता हूं। शिकार में किसी भी लम्हे हालात बदल सकते हैं। जब आप शिकारी हों तो आप खुद भी शिकार बन सकते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूं। क्या इसने खोज लगाया नादिर साहब? जी लगाया उसने। ये है वो सब संदूक नादिर साहब, ये इन्हें सूंघेगा। सबसे पहले हमें तहकीक करनी होगी कि गोदाम में क्या है। उन्होंने अच्छा मंसूबा बनाया है, उनका पीछा करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अब हमें मालूम हो जाएगा कि वो कहां जा रहे हैं। अल्लाह की मदद से हम जान लेंगे और हम उस जगह को जला देंगे जहां वो जाएंगे। अगर कोई मामला है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं अशरफ अजीज साहब। दराज में मौजूद बंदूक की साख साहब को दे दो उस्मान। गोलियों के साथ? उस्मान, इस बदजात की लाश को यहां से हटाओ। ठीक है कमांडर।
बारूद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। इस धमाके की आवाज पूरे इस्तांबुल में सुनाई देनी चाहिए ताकि वो अपने वजीर आजम के टुकड़ों की पहचान भी ना करवाए। नादर साहब, वो लोग वहां उस तरफ हैं। मैं उस तरफ जाकर देखता हूं। दूसरा रास्ता भी है, गुजरगाह तंग लग रही है। कमांडर, हो सकता है ज्यादा लोग हों, हम क्या करेंगे? छुपकर हमला करेंगे उस्मान, छुपकर हमला करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गईं। क्या आपको कुछ चाहिए आलिया? हमें बताइए, हम बनवा देते हैं। थोड़ी देर सो जाना बेहतर होगा इनके लिए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा प्यारी बहन। नाइमे बाजी, कहिए आलिया। हमने आप पर एतमाद किया था। हमने भी आप पर बहुत एतमाद किया था। आप दोनों बाद में बात कर लीजिएगा, अभी आलिया सुल्तान का बेहतर होना ज्यादा अहम है। उस्मान, तुम जाओ और इसहाक साहब को देखो। तुम यहां? अशरफ को तुम्हारा सुराग मिल गया है निर्वा। कैसे? ये कैसे हो सकता है? शिकारी कुत्ते के जरिए पहुंचे हैं। उस नादिर ने इस जगह की तफ्तीश की, वो आ रहे हैं, दरवाजे तक पहुंच गए। कहाँ है वो अभी? मैं इस तरफ से आया हूँ और वो लोग उस तरफ से आ रहे हैं। जाओ, उन्हें बाहर ही रोके रखो, अंदर मत आने देना। जल्दी मुकद्दस जिहाद मुबारक हो नादिर साहब। चले या अल्लाह।
ये आखिरी बार है कि तुम जिंदान में हो जलालुद्दीन पाशा। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बाबा चाहते क्या हैं आखिर? ताहिर पाशा। ताहिर पाशा बाहर मौजूद है वो, और हमला करने वाला है। सबाहतीन और करासू के साथ अगर हम यहाँ पकड़े गए तो क्या वजाहत पेश करेंगे? हम कोई वजाहत नहीं दे पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? आप सब चले जाएं यहाँ से। जनाब कसल, ताहिर पाशा यहाँ छापा मारने के लिए आया है और आपको लेने के लिए आया है। मुझे सर्दी लग रही है। खुफिया रास्ते से फरार हो जाते हैं। नहीं नहीं, आप सब फौरन चले जाएं यहाँ से। विक्टर तुम रुको मेरे साथ। मगर जनाब मैं। कुछ नहीं होगा, जैसा मैंने कहा वैसा करें। आप सब महमूद पाशा से फ्रांसीसी सफारतखाने में मिलेंगे। चलें जल्दी करें। चलें, जाएं, जाएं। पुरसुकून हो जाओ। सिपाही, इसे फौरन तहसीन पाशा के पास ले जाओ। विक्टर, मेरी बेटी आने वाली है, उसका ख्याल रखना। जो आपका हुक्म जनाब। क्या हम चलें? तुम मेरे आने का मकसद कैसे जानते हो? दिख रहा है आप छापा मारने आए हैं। तुम्हें छापा मारे जाने की पहले से खबर हो ये मुमकिन नहीं। कौन था तुम्हारे साथ यहाँ? देखिए, आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो चलिए। करीब आ रहे हैं, हमारे बहुत से आदमी मारे गए। तुम भी जाओ, इनकी मदद करो। अशरफ अजीज को मार दो, जल्दी जाओ। नरवा, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। यहां से निकलते हैं अभी। चलो चलते हैं। चलो। नादर साहब, चलो आ जाओ। जिसे मरना है आ जाओ।
क्या तुमने मेरे लिए जाल बिछाया है? बकवास मत करो नरवा। अगर अशरफ ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो मुझे भी मार देगा। तुम क्या कर रहे हो? फिर करने को कुछ नहीं है, चलो फौरन। हाँ चलो। इसहाक साहब, इसहाक साहब, आप कहां चले गए? इसहाक साहब कहां चले गए? हट जाओ मेरे रास्ते से वरना ये मारा जाएगा। अशरफ अजीज साहब, बराह करम मेरी मदद करें। चलो। अशरफ अजीज साहब, मुझे बचा लीजिए इससे। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारा मसला सिर्फ मेरे साथ है, इसे छोड़ दो। मेरा मसला तुम्हारे साथ मौजूद हर एक के साथ है अशरफ अजीज। हट जाओ वरना मैं इसके सर में गोली मारूंगा। मेरी मदद करें अशरफ अजीज साहब, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। परेशान मत हो इसहाक साहब, किसी ना किसी तरह हम आपको इस बदजात से बचा लेंगे। पिस्तौल नीचे करो, करो नीचे। मदद करें। अगर मेरा पीछा किया तो मार दूंगा इसे। अच्छा दिमाग चलाया है मैंने। चलो यहां से निकले। मेरी पिस्तौल वापस करो। दो लाओ, दो मुझे। शायद मैं ही हूं जो उन्हें खत्म करेगा नरवा। इसहाक साहब, क्या आपने उसे मार डाला? अभी तक नहीं। अपनी पिस्तौल फेंक दो, फेंक दो पिस्तौल, फेंको। नादिर तुम भी फेंको। चलो। पिस्तौल से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। चलो। ये तुम्हारा इख्तिताम है अशरफ अजीज। खेल बस यहीं तक था। आप महल से कब जा रही हैं? जब से हमने आपके जाने का सुना है हम अफसरदा हैं। शायद हम एक दो दिन में चले जाएं। जाने का मसला नहीं है, हमें वालिदा की तरह बाबा को मायूस करने का अफसोस है। बहुत अफसरदा हैं हम। हम चचा से बात करेंगे। आखिरकार हमने आलिया को आपकी मदद से बचाया है। अगर हम चचा को ये बात बताएंगे तो हो सकता है कि आपको महल ना छोड़ना पड़े। वो माफ नहीं करेंगे। उनकी जगह हम भी होते तो यही करते। उन्होंने कई बार हमें तंबीह की, उन्होंने सब्र किया, इंतजार किया, लेकिन हमने उनकी एक ना सुनी। हम ही कसूरवार हैं। सबको जला दूंगी मैं।
सुल्तान मुअज्जम, हुक्म के मुताबिक कसल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुल्तान मुअज्जम, ये हो क्या रहा है? क्या आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं? क्या वाकई आप हमारे दोस्त हैं? सुल्तान मुअज्जम, क्या मैंने आपकी सरमायाकारी और माली मामला में मदद नहीं की? ये सब दोस्ती में ही किया है मैंने। हम सब कुछ जानते हैं जनाब कसल, अब ये झूठा लबादा उतार फेंकिए, असल चेहरा देख चुके हम आपका। सुल्तान मुअज्जम, कहिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, तीसरे फौजी दस्ते की जानिब से महल में एक टेलीग्राम आया है। अगर महमूद पाशा को रिहा ना किया गया तो फौज बगावत कर देगी। सुल्तान मुअज्जम, हमें मायूसी हुई जनाब कसल, हमारी कभी भी आपसे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। सुल्तान मुअज्जम, मैं नहीं जानता कि आपसे किसने क्या कहा, लेकिन मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। इससे इनकार मत कीजिए, मत कीजिए इनकार। हम जानते हैं कि आप हेगलर की जगह यहाँ आए हैं, उसके ओहदे पे आपको यहाँ भेजा गया है। ये एक ऐसा ओहदा है जो कि कभी भी खाली नहीं होता। हमारे दुश्मन हमेशा किसी न किसी को यहाँ भेज देते हैं। हमारे पास सबूत हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। तो यानी आप सब जानते हैं, दुरुस्त कह रहे हैं आप, अब मजीद इनकार की गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, मुझे यहां पर आपको शिकस्त देने के लिए ही भेजा गया था, वो भी बरतानिया के बादशाह की तरफ से, और मैंने अपने फराइज की अदायगी में कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपको इस बात पर इतना यकीन कैसे है? क्योंकि मैंने इन जमीनों में सरमायाकारी की है। मैं नहीं जानता कि आपके पास इतनी ताकत है कि मुझे गिरफ्तार कर सके या नहीं, लेकिन आपके पास ये अख्तियार है कि आप मुझे जिलावतन कर सकते हैं, मगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस रियासत में सरमायाकारी की है, और अगर मैं वो रकम वापस निकाल लेता हूँ तो आप बर्बाद हो जाएंगे। यकीनन अब ये फैसला आप ही करेंगे। इज्जत मां सुल्तान मुअज्जम, हम आपको मुल्क बदर नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि हम आपसे खौफजदा हैं, और न इसलिए कि आपने सरमायाकारी की। आपके जाने के बाद हमें यकीन है कि आपकी जगह कोई और आ जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि हमारे दुश्मन कभी भी कम नहीं होंगे। हमारे अंदरूनी और बैरूनी बहुत से दुश्मन हैं। इस ओहदे पर आपके अलावा भी बहुत से लोग आ चुके हैं, हमने उन सब से मुकाबला किया, और चाहे कुछ भी हो जाए हम आपसे भी मुकाबला करेंगे। फिर आखिर में आप हार मानकर यहां से खुद ही चले जाएंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपको मुल्क बदर नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो हम आपको जमानत देने को भी तैयार हैं। क्यों और कैसे? आपने आज तक यही सोचकर सरमायाकारी की है ताकि आपको मुल्क बदर ना किया जा सके, तो फिर अब आप अपनी सरमायाकारी को जारी रखिए। आप जितनी सरमायाकारी करेंगे उतनी ही आपको जमानत मिलती रहेगी, फिर हम आपको मुल्क बदर नहीं कर पाएंगे। क्या आपको कबूल है? मैं खुशी से कबूल करता हूँ। जनाब कसल, आप यहाँ मजीद सरमायाकारी करते रहें, हम आपको मुल्क बदर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप खुद से फरार होते हैं तो आपकी सरमायाकारी डूब जाएगी, इस बात को याद रखिएगा।
अशरफ अजीज, तुम और तुम्हारा साथी नादिर और उस्मान भी, तुम सब के सब यही मरोगे। मौत हमारे लिए दूसरी जिंदगी की जानिब बढ़ने का दरवाजा है इसहाक। मुझे मार दो वरना बहुत पछताओगे। अपने आप पर काबू रखें नादर साहब, अगर हमारे मुकद्दर में ये है तो फिर इसी तरह हशर के मैदान में मिलेंगे। नरवा को अज़ियत देना बहुत पसंद है। लेकिन मैं कोई अज़ियत नहीं दूंगा तुम्हें। अब ये फजूल बातें करना बंद करो और गोली चलाओ। तुमने ये समझ लिया कि तुम जैसे बुजदिल को भरी हुई पिस्तौल दूंगा? नादिर साहब, इसके पांव पर गोली मारे जो गलत रास्ते पर गामजन है, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। अब ये कहीं नहीं जा सकेगा। चले नादिर साहब। कमांडर, नेरवा भाग रहा है। मैंने उससे पिस्तौल ले ली मगर मैं उसे पकड़ नहीं पाया। चले नादिर साहब। उस्मान, तुम्हें इसहाक के पास जाना होगा फौरन। सुल्ताने मौसम, हरम में लगी आग बुझा दी गई है। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ आलिया सुल्तान को नुकसान पहुंचा है। तभी भाई उनकी देखभाल कर रही हैं। क्या आपको मालूम हुआ कि आग कैसे लगी? सुल्ताने मौसम, आलिया सुल्तान ने ही आग लगाई थी। जो आग से खेलते हैं खुद भी उसमें जल जाते हैं। आलिया सुल्तान दिमागी तवाजुन खो बैठी हैं। उन्होंने सबको जलाने की कोशिश की। उनके हाथ और पांव की जल जल गई है। उनका ये हाल मोहब्बत की वजह से हुआ है। शर्म कीजिए खवातीन, किसी के बारे में यूं फजूल गोई नहीं करनी चाहिए। तबीबा साहिबा, हमारी बहन की तबीयत कैसी है? इनको ठीक होने में वक्त लगेगा, इजाजत दीजिए। आह आह आलिया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आलिया, आप खुद को और हम सबको जलाकर मार देने वाली थी। काश के हम मर जाते। अल्लाह ना करे, खुद को संभालें और इस तरह मरने की बातें ना करें। हमें यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा और आप सेहतियाब हो जाएंगी मेरी बहन इंशाल्लाह। हमें बहन मत कहें, आप सबने मिलकर हमारे लिए जाल बिछाया। एक दिन आप हमें समझ जाएंगी। जाएं और हमें तन्हा छोड़ दें। कमांडर उस्मान, उसे क्यों नहीं लाए अपने साथ? किसकी बात कर रहे हैं? इसहाक और कौन है उस्मान? वो कहां है? आप ठीक हैं इसहाक साहब? ठीक हूं मैं, शुक्रिया। उन्होंने मुझे गोली मारी है, खुदारा मुझे बचा लीजिए उस्मान साहब। ठीक है मुझे यहीं बिठा दे। शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब कहाँ है? मेरे ख्याल में वो नेरवा के पीछे गए। आपको भी उनके पास जाना चाहिए, उनकी मदद करें जाके। ठीक है, मोहतात रहे। कसम से जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो जख्मी था, मैंने उसको वहां से निकाला और आपके पास आ गया। बहुत खूब उस्मान, क्या बात है तुम्हारी उस्मान, बहुत अच्छा काम किया तुमने। इसहाक गद्दार है उस्मान,
महमूद जलालुद्दीन, आपको फौजी दस्ते के सामने सजाए मौत दी जाएगी। आप अहमद रजा साहब के साथ रास्ते में हैं और हम जानते हैं कि आप हिजब इख्तलाफ का हिस्सा है। मैं आपसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूं शहजादी, अगर आप मेरी दरखास्त कबूल कर लें तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। ये मिका आखिर है कौन? तशनक गिरोह का सरबरा। तशनक,